वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रिंस मिश्रा। बेसिकली देखो बच्चों, अभी तक जो आप लोग नाइन्थ या टेंथ तक फिजिक्स पढ़ते हो, अगर सिर्फ उसी लेवल का फिजिक्स पढ़ के आए हो एलेवेंथ क्लास में, तो अभी से जो फिजिक्स का जो सफ़र रहने वाला है वो नाइन्थ और टेंथ से बिल्कुल अलग रहने वाला है। देखो फिजिक्स बेसिकली चीज क्या है, फिजिक्स में जितना आप अच्छे तरीके से चीज़ों को विजुलाइज करोगे, जितने अच्छे तरीके से चीज़ों को फील करोगे, उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा या जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और फिजिक्स क्लासीफाई कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे फिजिक्स के बारे में। देखो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले एक या दो लेक्चर में, उससे आपका डायरेक्ट ना ही आपके बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आएगा, ना ही IIT में पेपर क्वेश्चन आएगा, ना ही आपके नीट में क्वेश्चन आएगा। लेकिन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमको छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, तभी हम लोग उसमें बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन या बहुत अच्छी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, फिजिक्स है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हमको जानना होगा। देखो बहुत लोगों को फिजिक्स का डिफिनेशन पता होगा कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले फिजिक्स का मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हमको पढ़ना क्या होता है फिजिक्स में, बेसिकली हम लोग फिजिक्स में किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और कैसे पढ़ा जाता है, पैटर्न क्या होता है पढ़ने का, वो चीज़ें जो बनी थी वो किस मेथड से बनी थी या कौन से बेसिस पे चीज़ें बनी थी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जो फिजिक्स है, जो साइंस का पार्ट है, अगर ऊपर से लेकर के आया कि हाँ साइंस क्या होता है, साइंस को हम लोग कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, साइंस क्या होता है जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, साइंस को दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक क्या होता है फिजिकल साइंस, एक क्या होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिर बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी वगैरह पढ़ना है, फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब आता है पढ़ने के लिए। हम लोग बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है कि फिजिक्स क्या होता है। देखो बच्चों, जो फिजिक्स टर्म है, फिजिक्स बेसिकली ग्रीक टर्म से ओरिजिनेट हुआ था। अगर उसको हम यहाँ पे लिखें जो ग्रीक में जैसे लिखा जाता है, तो ग्रीक में इसको कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ग्रीक में इस टाइप से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नेचर। ग्रीक में जो ये टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, नेचर। जो फिजिक्स है इसी टर्म से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। यानी कि फिजिक्स में बेसिकली हमको किसके बारे में पढ़ना होता है, नेचर तथा नेचर से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन बताएं तो डिफिनीशन क्या होगा फिजिक्स का, तो डिफिनीशन जैसे आप लोग याद किए हुए होते हैं या याद कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ और नेचुरल फेनोमेना। यानी कि नेचर में होने वाली जितने भी चीजें होती है, जितने भी फेनोमेनाज होते हैं, सबको हम लोग किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे जैसे कि सनराइज होना, सनसेट होना, ये हमारा बल्ब का चमकना, फैन का चलना, हमारा आपसे बात करना, किस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी कुछ है। जैसे कि अभी हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बेसिकली इसको भी हम लोग किस में पढ़ेंगे, इस सब सारी चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि हमारे आस पास नेचर में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जो जो फेनोमेनाज होते हैं, सब चीज़ को हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना होता है। छोटी छोटी चीज़ें लेकर के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ना होता है। तो बेसिकली अगर इसका डिफिनीशन जानना चाहते हो या डिफिनीशन लिखना चाहते हो, तो फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, देखो तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, ना ही आपसे कोई पूछेगा, ना कुछ जानना है, ना आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, ना किसी और जगह पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो क्या होगा, इट इज ए, क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर
एंड इट्स लॉ और नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर और नेचुरल फेनोमेनाज के बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल फेनोमेना क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है, बेसिकली दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, बारिश कैसे होती है। ठीक है, ये क्यों क्यों बारिश एक जगह होता है दूसरी जगह नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, हम लोग कैसे एक दूसरे से बात कर पाते हैं, लाइट क्यों जलता है, फैन क्यों चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। अब ये बताओ सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ, तो ये फिजिक्स का जो लॉ है या नेचर का जो लॉ है, सॉरी फिजिक्स का लॉ नहीं, जो नेचर का लॉ है वो बनाता कौन है, कौन कंस्ट्रक्ट करता है इस लॉ को, नेचर के लॉ को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये जानना जरूरी है कि किसी के अंदर ही अथॉरिटी नहीं है, किसी को अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि वो नेचर के लॉ को बनाए। नेचर का लॉ हम लोग अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, हमारे एस सी वर्मा साहब लिखते हैं कि जो नेचर का जो लॉ होता है या जो फिजिक्स का भी लॉ होता है वो बेसिकली किसकी तरह होता है, वो होता है चेस गेम की तरह। जो हम लोग जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, आप लोगों से मैक्सिमम लोग चेस खेलता होगा। आप ये बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि चलिए कि हाँ चेस खेलना है, इसका रूल पता है, क्या आप लॉ बता सकते हो, पहले से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो दिमाग में कि हमको ये स्टेप चलना होगा और ये स्टेप चलेंगे तो हम इस गेम को जीत जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग चेस खेलते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाला जो चाल चलता है या जो स्टेप चलता है उसको पहले हमको समझना होता है, और उस स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वहां पे हम लोग पहले से प्री डिटरमाइंड होकर के स्टेप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक इट, जैसे ये है, जैसा चेस गेम होता है वैसे ही क्या होता है, नेचर का लॉ होता है। हम अपने हिसाब से नेचर का लॉ नहीं बना सकते हैं। जो नेचर का लॉ बनता है वो कैसे बनता है, नेचर में जितनी चीजें होती है, जो भी फेनोमेना होता है नेचर में, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पहले स्टडी करते हैं। और जब स्टडी करने के बाद हम एक कंसिडरेशन में पहुंचते हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आता है, एक डाटा तैयार होता है, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके लॉ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उस लॉ को हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर बात। जैसे कोई भी नई चीजें आती हैं तो पहले सबसे पहले जैसे कि बात होता है कि हाँ, अगर जैसे कि सनराइज का बात बोला जाए, सनसेट का बात बोला जाए, तो सबसे पहले इसको कहाँ पे से जोड़ा गया, सबसे पहले इसको हम लोग रिलीजन से जोड़ दिए। ठीक है कि हाँ कुछ होता है कि सूरज भगवान आते हैं ऐसा कुछ करके, हिंदू रिलीजन हमको पता है, बाकी रिलीजन के बारे में नहीं पता है कि सूरज भगवान आते हैं तो क्या हो जाता है, सनराइज हो जाता है, जब वो चले जाते हैं तो सनसेट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता गया, हम लोग उस पर क्लियर होते गए कि बेसिकली क्या है, अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारा क्या होता है, सनराइज और सनसेट, या फिर हमको ये क्या दिखता है कि जो दिन और रात होते हैं। तो बेसिकली अगर हमको सिर्फ इतना समझना है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम लोग नेचर तथा नेचुरल फेनोमेना के बारे में या नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये नेचर का लॉ कौन बनाता है, तो नेचर का लॉ बनाने का किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचर के लॉ को ऑब्जर्व करते हैं या नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, और वहां से जो ऑब्जर्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग लॉ बनाते हैं। और ये लॉ क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते भी रहता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स लॉ है तो वही चलेगा। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन आता जाएगा वैसे वैसे क्या करेंगे, हम लोग उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होते जाएंगे और हमारा लॉ जो है या जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो चेंज होता जाएगा। क्लियर बात। तो बेसिकली फिजिक्स हम लोग समझे कि फिजिक्स क्या होता है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन होता है या जो ये वर्क होता है फिजिक्स पे, हम लोग नहीं, बेसिकली हम लोग तो फिजिक्स का जो फॉर्मूला मिला हुआ है, जो बना बनाया फॉर्मूला है उस पे वर्क करते हैं, लेकिन जो फिजिसिस्ट लोग हैं, जो ये बेसिकली लॉ को बनाता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके काम करने के लिए दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। बेसिकली वो लोग दो बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जो फिजिक्स में जो भी कुछ काम होता है या नया काम होता है या जो भी हमारे पास रिसर्च वगैरह होते हैं, वो दो बेसिक प्रिंसिपल पे काम होते हैं।
वो दोनों बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन, एक क्या होगा, एक हमारा होगा जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, यहां पे अगर लिखे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक क्या है, पहला क्या होता है यूनिफिकेशन, पहला होता है यूनिफिकेशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, दूसरा क्या होता है रिडक्शनिज्म, अब पहला क्या होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक छोटी से छोटी चीज या एक छोटे से कंसेप्ट को बहुत सारे कंसेप्ट को या बहुत सारे फेनोमेना को क्या करना, एक बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन करना, यानी कि एक छोटे से बेसिक प्रिंसिपल पे हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि बहुत सारा फिजिक्स में जो लॉ होगा, देखो ये सब अभी ज्यादा तुम लोगों को फील होगा नहीं, जैसे 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 हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, कुछ चैप्टर्स निकलेंगे, कुछ हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता था, रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता था। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे क्या कि एक जैसे प्रिंसिपल होता है एनर्जी कंजर्वेशन, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सारे, एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो बहुत सारे बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन या बहुत सारे थ्योरी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी कि बहुत सारा थ्योरी एक बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जो क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, लाइक लेंज लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, एक्सेट्रा, ऐसा बहुत सारा चीज है, ठीक है। सब क्या है जो अभी आप लोग नहीं पढ़े हो, धीरे 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 जैसे टाइम आते जाएगा हम लोग पढ़ते जाएंगे। वो कहां से स्टार्ट होता है, यूनिफिकेशन से। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को या बहुत सारे फेनोमेना को एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से या एक सिंपल से प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में क्या होगा कि एक छोटा सा हम लोग क्या लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, और एक छोटे से प्रिंसिपल से हम लोग बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देंगे, उस मतलब उस मेथड को क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन। जो दूसरा मेथड होता है फिजिक्स में, उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को क्या करना, अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस करना और छोटे छोटे पार्ट में उसको सॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हमारे पास तीन तीन चार चार कंसेप्ट दे दिया रहेगा, यानी कि पहले मैकेनिक्स का प्रॉब्लम, मैकेनिक्स से रिलेटेड क्या होगा हीट का प्रॉब्लम, फिर हीट से रिलेटेड और कुछ भी दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस करेंगे, अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, अलग 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 ब्रांच में मतलब रिड्यूस करेंगे, और उस अलग अलग ब्रांच को क्या करके ऑब्जर्व करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या सबको कंबाइंड करेंगे। यानी कि रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को या बहुत बड़े कंसेप्ट को छोटे छोटे कंसेप्ट में या छोटे छोटे प्रॉब्लम में रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो जो फिजिक्स होता है या जो लॉ बनता है इसका बेसिकली कहां से बनता है, या जो फिजिसिस्ट काम करता है फिजिक्स में वो कहां से काम करता है, वो दो मेथड्स में काम करता है, एक क्या होता है यूनिफिकेशन और एक क्या होता है रिडक्शनिज्म। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग ये समझे कि बेसिकली फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स ओरिजिनेट कहां से हुआ था, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड बेसिकली नेचर से ओरिजिनेट हुआ था। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर तथा नेचर से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ना। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं नेचर तथा नेचर के लॉ के बारे में क्या करते हैं स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। नेचर का लॉ कौन बनाता है, नेचर का लॉ कोई नहीं बनाता है, बेसिकली हम लोग ऑब्जर्वेशन से नेचर के लॉ को क्या करते हैं ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है, किसी के अंदर अथॉरिटी नहीं है। जो बेसिकली फिजिक्स में वर्क होता है वो कितने प्रिंसिपल पे वर्क होता है, दो प्रिंसिपल पे, एक क्या होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डील करना, एक्सप्लेन करना, उसी को क्या बोलते हैं यूनिफिकेशन। दूसरा क्या होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को या बहुत बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस या छोटे छोटे कंसेप्ट में क्या करना रिड्यूस करने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शनिज्म बोलते हैं।
तो ये क्या हो, ये बेसिक थोड़ा सा फिजिक्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि मतलब समझ में आया कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स कहते किसके हैं, अब फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि फिजिक्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग फिजिक्स को क्लासीफाई करें तो फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं इनिशियली। इनिशियली जो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन होता है तो हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या होता है, पहला को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, और क्या बोलेंगे इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, या एक और नाम से बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स या क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या फिर क्या होगा, मॉडर्न फिजिक्स। जो फिजिक्स होता है फिजिक्स को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फिजिक्स जिसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये बोल सकते हैं कि ऐसा फिजिक्स जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, जिससे जुड़े हुई चीजों का मोस्ट ऑफ द पार्ट 19th century के पहले इन्वेंट हो चुका था। क्लासिकल मतलब क्या होता है, पुराना, यानी कि ऐसा फिजिक्स जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट 19th century के पहले इन्वेंट हो चुका था उसको क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। तो या तो इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलो या बोलो कि ऐसा फिजिक्स में हम लोग बहुत लार्ज या बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्लियर है बात। वैसे ही क्या होता है जो माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, ऐसा फिजिक्स में हम लोग छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ेंगे लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब चीजों के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, या इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब नया फिजिक्स, यानी कि ऐसा फिजिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा फिजिक्स जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट 19th century के बाद इन्वेंट हुआ और इन्वेंट हो रहा है, जिसपे अभी इन्वेंशन चल रहा है, उस फिजिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे अभी हम लोग क्वांटम फिजिक्स जो है अभी जो चल रहा है वो सब किस में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। यानी कि ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, पहला क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है। जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको फर्दर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग चाहें तो फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, मैकेनिक्स। सबसे पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है कि जिसमें मतलब फोर्स तथा इससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वो सब कहाँ पे आएगा, मैकेनिक्स ब्रांच में आएगा। ठीक है, जहां पे हम लोग फोर्स से रिलेटेड चीजों के बारे में डील करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, मैकेनिक्स के बाद क्या आता है, जो अगला इसका ब्रांच होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ कि देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, बेसिकली फिजिक्स में हर चीज का जो भी हम लोग नाम देते हैं यानी कि वर्किंग मीडियम के अकॉर्डिंग हम लोग नाम चेंज करते हैं। अगर फिजिक्स में कहीं भी तुमको सबसे पहले थर्मो लगा हुआ आ जाए तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट तथा हीट से रिलेटेड चीजों के बारे में, टेम्परेचर हीट वगैरह के बारे में हमको क्या पढ़ना है, थर्मो के बारे में पढ़ना है। मैकेनिक्स आ जाए इसका मतलब क्या है, फोर्स से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना है। अगर तुमको अगला जो ब्रांच होता है, अगला ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। मतलब क्या होगा, जहां पे फिजिक्स में तुमको इलेक्ट्रो लिखा हुआ आ जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, चार्ज। जहां पे हम लोग चार्ज तथा चार्ज से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म।
क्लियर बात। यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हुआ वो तीन पार्ट, पहले मैकेनिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट तथा लाइट से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लाइट क्या होता है, लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, बेसिकली उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक नए ही नाम से, उसी नाम से जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ये तो हमारा रहेगा अभी भी उसका एक ही ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। अब बताओ, जैसे फर्दर हम लोग मैकेनिक्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिक्स भी अलग टाइप का होगा, एस्थेटिक्स होगा, कैनेमेटिक्स होगा, डायनेमिक्स होगा, ठीक है, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड किया जा सकते हैं आगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 11th क्लास को के सिलेबस को जानेंगे कि 11th क्लास में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ना है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग 11th क्लास का पूरा सिलेबस जानेंगे कि 11th में हम लोग क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर को अप्रोक्स हम लोग कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या कितने लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अब पूरे चीज को हम लोग लेक्चर के अकॉर्डिंग नहीं डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमारा जब भी क्लास ओपन होगा, अगर हम लोगों का जो नीट वगैरह का या एडवांस का बैच होगा उसका जो क्लास टाइम होगा वो लगभग 1.5 आवर होगा, ठीक है, हम लोग पर डे 1.5 आवर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन जो वीडियो होगा, वीडियो हम लोग 1.5 आवर का नहीं बना सकते हैं, लेंथी वीडियो होता है, उतना देर आप मोबाइल पे फोकस करके नहीं पढ़ सकते हो, लैपटॉप पर फोकस करके नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हमारा वीडियो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, जो स्टार्टिंग का वीडियो होगा, जो थ्योरेटिकल वीडियो होगा, लाइक ये सब चीज़ें जिससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है कि हाँ क्या क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्या क्या ब्रांच होता है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, इससे मतलब नहीं है। अगला जो वीडियो होगा वो भी हमारा थ्योरेटिकल वीडियो होगा, टोटल हम बताएंगे कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है 11th क्लास में, किस चैप्टर से कितना वेटेज का क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा थोड़ा टफ चैप्टर है, रिलेटिवली कौन कौन सा थोड़ा सा इजी चैप्टर है, ठीक है, लगभग कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर को करने में, किसका क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, किसका क्वेश्चन इजी आता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही जाने कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, फिजिक्स का पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, फिजिक्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक या मॉडर्न फिजिक्स। फर्दर हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स है उसको हम लोग मैकेनिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स में क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होगा वो एक क्या है, सिंगल ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको दो चीजें हैं, जैसे ये आपको मैकेनिक्स है ये पूरा 11th में पढ़ना है, थर्मोडाइनेमिक्स है ये पूरा 11th में पढ़ना है, ऑप्टिक्स आपको ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 11th में पढ़ना है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और ऑप्टिक्स है ये हमको कहाँ पढ़ना है, ये हमको 12th में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स को भी हमको कहाँ पे पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स को भी हमको 12th में पढ़ना है, ये मॉडर्न फिजिक्स और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये सब 12th में पढ़ना है। देखो बेसिकली है क्या कि जितना भी फिजिक्स है हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट है वहां पे फिजिक्स जितना भी पढ़ना होता है वो सारे के सारे फिजिक्स को 11th और 12th में पढ़ा दिया जाता है, सुपरफिशियली पढ़ा दिया जाता है, ज्यादा डीप में नहीं जाया जाता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें जितना फिजिक्स होता है सारे के सारे फिजिक्स को पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लासीफाई किए हैं ये दोनों चीजें हम लोग 11th में पढ़ लेनी है, ये तीनों चीजें कहाँ पढ़नी है, 12th में पढ़नी है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ फिजिक्स जो पढ़ेंगे फिजिक्स के साथ साथ और क्या पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स क्यों रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स के लिए पढ़ना, अगर आप मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो, हम फिजिक्स के मैथमेटिक्स का बात करते हैं जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल बोलेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स को आपका फील चाहिए, तो मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ेंगे, तो इससे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज बेसिकली इंट्रोडक्शन था, एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, कल हम लोग क्लासिफाई करेंगे चीज़ों की, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है ये जानेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक लॉकडाउन का पालन कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।